नौकरी से बर्खास्त भू विस्थापित मजदूरों की बहाली को लेकर भू विस्थापित मजदूरों और ग्रामीणों ने केएसके महानदी वर्धा पावर प्वाइंट का घेराव किया। जांजगीर चांपा जिले के अलकतरा तहसील क्षेत्र में स्थित केएसके महानदी वर्धा पावर प्लांट में भू विस्थापित मजदूरों द्वारा वर्ष 2019 में वेतन वृद्धि और सामान्य वेतन की मांग करते हुए विरोध जताया था और हड़ताल की थी, जिससे प्लांट प्रबंधन द्वारा मजदूरों के नेता सहित 20 भू विस्थापित श्रमिकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जिनकी बहाली को लेकर वर्ष 2019 में लगातार भू विस्थापित श्रमिकों द्वारा धरना प्रदर्शन व विरोध प्रदर्शन किया गया। कल मजदूरों की बहाली को लेकर श्रम कार्यालय में त्रिपक्षीय बैठक की गई है, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ साथ प्लांट प्रबंधन व श्रमिक मौजूद थे। इस विषय को लेकर एक घंटे तक बैठक चली, लेकिन प्लांट प्रबंधन को श्रमिक के बीच किसी प्रकार के उचित नतीजा नहीं निकला है, जिससे परेशान होकर एक श्रमिक रामनाथ केवर्त द्वारा श्रम कार्यालय में ही जहर का सेवन कर लिया गया। जहर सेवन के बाद श्रम कार्यालय में हड़कंप मच गया। तत्काल श्रमिकों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां श्रमिक का इलाज चल रहा है, लेकिन रात तक हालात में सुधार नहीं होने से उसे इलाज के लिए बिलासपुर जिले के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद कल से ही आसपास के क्षेत्र में प्लांट प्रबंधन के इस रवैये को लेकर आक्रोश बना हुआ है और आज आसपास के 8-10 गांव के ग्रामीण व पावर प्वाइंट में बर्खास्त भू विस्थापित मजदूर एकजुट होकर पावर प्वाइंट के गेट पर पहुंच गए और हंगामा मचाने लगे। बढ़ते हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारी व जांचगिरी SDM व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पहुंचकर मामला शांत कराया गया। प्लांट प्रबंधन और जिला प्रशासन के द्वारा एक बैठक कर मजदूरों के हित में उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों व भू विस्थापित मजदूर शांत हो गए। हालांकि मजदूरों का कहना है कि अगर 24 घंटे में उचित पहल नहीं की गई तो वह पुनः अपने हक की लड़ाई लेने के लिए विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोग कल का स्थिति देखते हुए हमारे मजदूर भाई वहाँ तबियत खराब इतना हो गया है, अपोलो में रिफ़र किया गया और यहाँ केस के प्रबंधक मनमानी नींद कुंभकर्ण की तरह सोए हुआ है। मजदूर लोग इसीलिए गेट के घिराव किए, तब जाके प्रशासन और कुछ पहल करने के लिए तैयार हुआ है। कल मीटिंग हो रहा था, मीटिंग होने के बाद जब के सिंह श्रम अधिकारी है उससे पूछा कि क्या हुआ। स्टाफ है केएसके प्लांट के, उनके द्वारा भी यहाँ पे बैठे थे, धरना दिया जा रहा था, तो उनसे चर्चा हुई है और ये बताया गया है कि प्लांट प्रबंधन से चर्चा हो रही है शासन स्तर पर और जो भी डिसीजन आएगा पॉजिटिव डिसीजन इनको कन्वे कर दिया जाएगा, उस बेस पे ये लोग अभी शांत हैं। प्रबंधन से चर्चा हो रही है, जो भी निर्णय आएगा वो कन्वे कर दिया जाएगा। डिसीजन तो कुछ हुआ नहीं है, कल शाम तक का समय और मांग रहे हैं कलेक्टर साहब से, शासन और प्रशासन दोनों से बातचीत चल रही है और बात में ये हुआ है कि कल जो मजदूर ने आत्महत्या करने की जो कोशिश की थी उसके बाद सभी लोग सत्ते में हैं कि ऐसी। हम लोग जो कल जांजगीर में श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में बैठक के बाद सकारात्मक परिणाम नहीं निकला तो हमारे बीच के एक मजदूर साथी ने जो जहर का सेवन किया है, उसके बाद हमारे जो प्रभावित 8-10 गाँव हैं वहाँ मजदूरों में और मजदूर परिवारों में काफ़ी रोष व्याप्त है। इसलिए हम लोग आज प्लांट के गेट के पास पहुंचे थे क्योंकि हमें कहीं से न्याय नहीं मिल रहा था, तो हम प्रशासन और प्रबंधन दोनों से मांग कर रहे थे उनका उचित इलाज हो।